ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कणखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, आइए ब्रेक के बाद देखते हैं कौन से आपके पेशेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े और आपके साथ भी जुड़े सबसे पहले, और किस तरह से आज अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आपसे मिलकर। जी, नवीन कुमार शर्मा, शामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे कम से कम 2001 से जो तकलीफ होती थी, दौरे पड़ते थे और उल्टी आती थी, और उसकी वजह से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होते थे। तो वहाँ पर सफदरजंग भी दिल्ली की सफदरजंग में अस्पताल में बहुत इलाज हुआ और बहुत तकलीफ हुई और बहुत चोटें खाई हैं, और तो उसकी वजह से जो है बहुत मुझे परेशानी हुई। अब जब वैद्य जी के बारे में पता चला, जब टी वी में देख देख के, तब मुझे इनका पता चला कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर दिया, तो उनके इलाज से तब से मैं ठीक ठाक हूँ। शामपुर से नवीन कुमार शर्मा जी, इनको 2010 से दौरे पड़ते थे और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही थी, क्या कारण था, ये क्या बीमारी थी इनको, किस तरह से ये बीमारी इन्हें लगी, और जब ये आपके पास आए किस कंडीशन में थे और आयुर्वेद ने इन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, 2010 से लगातार इसको दौरे पड़ते थे, दिन में एक बार, दो बार, तीन तीन, चार चार बार दौरे पड़ जाते थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान था। घर से बाहर इसका आना जाना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि दौरे का कोई इसके समय नहीं था और कब इसको ये दिक्कत हो जाए नहीं कह सकते थे। इसकी माता इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, और दिन में तीन बार चार बार दौरे पड़ने के बाद इसको उल्टी बहुत ज़्यादा आती थी। उल्टी के कारण सारा कपड़ा, शरीर सब खराब हो जाता था और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। इसके दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ गई थी, जिसके कारण इस प्रकार की इसको दिक्कत बनती थी, और उल्टियों के कारण इसकी आंतें भी खिंच जाती थी और पेट में अक्सर दर्द रहता था, जिसके कारण इसकी भूख प्यास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इसको बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लगी थी। और जब दौरे पड़ने को होते थे, इसके सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा इसको कमजोरी रहने लगी थी। इसके लिए कहा भी है, जिस आ मैं हो त्वरित अनुभव शक्ति विनिष्ट विप्रनष्ट चेतनता मूर्छा रुखिय स्पष्ट रस की होती क्षीणता भोजन प्रकृति विरुद्ध हुए त्रिदोषक मेल से शमल मूत्र अवरुद्ध। शमल यानी कि मल और मूत्र, पेशाब, इसका अवरुद्ध होने लगा, कब्ज होने लगी बहुत ज़्यादा, और इसको इस प्रकार की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नसों की ताकत के लिए कुछ दवा आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनमें से एक दवा है वृहत वा चिंतामणि और दूसरा रस राज रस, दोनों गोल्ड प्रिपरेशन है, और इनका असर तभी अच्छा दिखता है जब उसमें स्वर्ण पूरी मात्रा में पड़ी हो। और नसों की ताकत आने से इसके शरीर में इसको लाभ मिलना शुरू हुआ। उसके लिए सबसे पहले इसकी कोष्ठ शुद्धि हो, इसके लिए मैंने इसको प्रवाहिकार चूर्ण प्रतिदिन रात्रि में दूध या पानी से सेवन करने के लिए कहा। दूसरा, इसको गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, उल्टी से पहले बहुत डकार आती थी, अफारा सा पेट में आता था। जीरा, काली मिर्च, सत नींबू, मिश्री इत्यादि से निर्मित चूर्ण, मनोहर भास्कर चूर्ण, इसका सेवन एक ही बार की डोज से पेट का अफारा तो दूर होता ही है, पित्त शमन, उल्टी आती हो वो दूर होती है, और पेट में गैस बननी बंद होती है। इसके लिए कहा भी है, अफारा शूल अजीर्ण में मनोहर भास्कर है श्रेष्ठ, उष्ण नीर या चूसन सह मिलता लाभ यथेष्ट। मैंने इसको चूर्ण के चूसने के लिए दिया, जब भी इसको दिक्कत होती थी मैंने इसको कहा इसको आप चूसें, और साथ में रस राज रस, एक आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है स्मृति सागर, इसकी मेमोरी भी काफ़ी लॉस हो गई थी, उसमें इसको मैंने स्मृति सागर रस के साथ प्रवाल पंचामृत ये सेवन के लिए दिया। दिन में दो बार ब्राह्मी वटी और मकर ध्वज वटी, अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वता रिष्ट के साथ सेवन कराई, इसका पेट शुद्ध होने लगा, गैस कम बनने लगी, नसों में ताकत आई, इसकी दौरे की समस्या भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर हुई, और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफी हद तक ये स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैद्य जी, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या समस्या है उनकी। हेलो,
जी सर। जी कौन बोल रहे हैं? मैं गोविंद शर्मा बात करना चाह रहा हूँ सर। कहाँ से? राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? वैद्य जी से मैं पूछना चाह रहा था, आपका चैनल देखा था मैंने जी, तो ये बात करना चाह रहा था कि हमारे 2-3 महीने से लगातार जुकाम सी बनी रहती है। क्या बनी रहती है भैया? जुकाम। जी आप क्या काम करते हैं? काम तो आप खेती बाड़ी का ये करते हैं बस। ठीक, किसी धूल के धुएं के या केमिकल के टच में तो नहीं रहते आप? नहीं, धूल के तो हम रह सकते हैं पर केमिकल के टच में नहीं रहते। ठीक, और कोई दिक्कत? और ये है कि वो इन्फेक्शन क्या है कान तक आ गया। ठीक, क्या कान से सुनना भी कुछ कम हुआ? कान में सुनने में प्रॉब्लम आ गई, कान एक साइड का कान भारीपन है। ठीक, तो जी जब भी आप कभी धूल के टच में जाएं तो बहुत अच्छा होगा कि आप नाक पे कपड़ा बांध लें और दिन में 1-2 बार प्रतिदिन गर्म पानी की भाप लें। अक्सर लोग भाप लेते हुए एसी या पंखा या कूलर चलाते हैं, जो कि उससे फायदा मिलने की बजाय नुकसान होता है। आप 10 मिनट प्लेन वाटर खाली पानी की भाप लें और भाप लेने के पश्चात 5-10 मिनट के लिए अपने मुंह पर तौलिया बांध लें, जिससे कि आपका टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे एक हो जाए और उस समय आपके चेहरे पर डायरेक्ट हवा ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ में प्रतिशाय नाशक वटी 2 गोली और 2 गोली सारीवादी वटी प्रतिदिन आप दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ सेवन करें। दूसरा, आप 20 ग्राम महालक्ष्मी विलास रस और 30 ग्राम इसमें गोदंती भस्म और 5 ग्राम अबरक भस्म और 30 ग्राम इसमें शीतोपलादी चूर्ण, इन चारों को मिलाकर सुबह शाम दिन में 2 बार इसकी आप 60 पुड़िया बना लें। एक एक पुड़िया दिन में 2 बार शहद में यदि 1-2 बूंद अदरक का रस मिला लें तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप खाली शहद से ले लें। और यदि आपको शहद से दिक्कत हो, उपलब्ध ना हो, तो आप इसको गर्म पानी के साथ सेवन करें। और साथ में षडबिंदु तेल प्रतिदिन दोनों नसिका में 3-3 बूंद डालते रहें। हम एक तेल बनाते हैं बहरेपन का तेल, जो कान में समस्या आई, कान की नसें कमजोर पड़ने लगी, सुनने में दिक्कत आई, कई बार घूंघू की आवाज़ भी आती है, टिनिटस बीमारी बन जाती है, उसमें भी यह तेल बहुत अच्छा कार्य करता है। या किसी को कान में दर्द रहता हो, बहुत खुश्की आती हो, तो 2-3 बूंद दोनों कान में आप एक बार डालें। मैं उम्मीद करूंगा जुखाम की तो समस्या दूर होगी ही, और साथ में जुखाम के कारण जो आपको कान में समस्या बन रही है वह भी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, मुझे पूरा यकीन है कि जिन्होंने मैं कॉल किया है उन्हें उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो दोस्तों आपसे भी बस यही कहना चाहूँगी, बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप भी नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। वैद्य जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, मैंने पहले भी किया था जी, उससे दाग हो गए थे मेरे को ना जी। तो उससे अब कभी अपने आप ठीक हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? अगर सफेद दाग की आपको ठीक होने के बाद दोबारा समस्या बनती है तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट खराब है, खाने पीने में आपको कोई दिक्कत है। क्या आप दूध के साथ नमक तो नहीं लेते? नहीं जी। दूध लेते हैं आप? नहीं, मैं दूध ही नहीं लेता सर। वैसे तो ये समस्या विरुद्ध आहार के कारण होती है, बहुत से लोग दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, दूध के साथ मछली या करेला कटहल खाने के बाद दूध पी लें तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। तो कोशिश करें आप जो विरुद्ध आहार लेते हो तो उसको दूर करें। साथ में खटाई, मिर्च मसाले, तले पदार्थ आप पूर्णतया परहेज रखें और 2-2 गोली दिन में 2 बार रक्त विकार नाशक उषवा चोपचीनी मंजीट महामंजिष्ठ आदि क्वाथ घनसत्व द्वारा निर्मित आप 2 गोली रक्त विकार नाशक, 2 गोली नीम घन वटी। वैसे तो नीम घन में प्योर नीम का घन होना चाहिए, बहुत से लोग नीम के चूर्ण की भी गोली बना देते हैं, वो इतना काम नहीं करती। नीम का पंचांग लें
उसको पानी में खूब उबाल लें। उबालने के बाद उसको छान लें, जो आपको पानी मिला उसको वेपोराइज कर लें, जो नीचे बचेगा उसको नीम घन कहते हैं, इसकी दो दो गोली और साथ में आरोग्य वर्धनी, आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी दवा है आरोग्य वर्धनी, जो हमारे शरीर को निरोगी रखे और हमारे आरोग्य को बढ़ाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा आरोग्य वर्धनी। इसका मुख्य घटक ताम्र भस्म है। वैसे तो इसमें कुटकी भी है, नीम के पत्तों का रस भी है, त्रिफला भी है, त्रिकुटा भी है, लेकिन ताम्र भस्म हैवी मेटल्स में आती है। बहुत सी फार्मेसीज कच्ची डाल देती हैं, जो कि फ़ायदे की जगह नुकसान करती हैं। किसी अच्छी फार्मेसी की आप आरोग्यवर्धनी का सेवन करें। आप तीनों गोली रक्त विकार नाशक, आरोग्यवर्धनी और नीम घन, तीनों की दो दो गोली दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करते रहें। आपका पेट साफ रहे, विशेषतः इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कई बार पेट में कीड़े हों तब भी दिक्कत बन जाती है, तो आप उसका निवारण करें। कमेला यानी कि बाइविडंग की रज, उसका एक ग्राम के लगभग दिन में दो बार खाना खाने के साथ पानी के साथ ले लें, यदि कीड़े होंगे तो निकल जाएंगे। तो आप रात्रि में प्रतिदिन पेट साफ रहे इसके लिए प्रभाही कार चूर्ण एक चम्मच लेते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, और आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैद्य जी, समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ और बातचीत करें, तो जाने से पहले आपका दोहा हो जाए। अजा दूध से सर्वथा चरण दहा मिट जाए, आती प्रमिला शीघ्र ही वैद्यों का अभिप्राय। यानी कि यदि हम बकरी का दूध सेवन करें तो हमारे हाथ पैर की जलन तो दूर होती ही है, निंद्रा भी बहुत अच्छी आती है। क्या बात है, छोटी सी बात में आपने इतनी बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे जुड़े, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जाने से पहले बस यही कहना चाहूंगी, ये जो जिंदगी है ना बहुत छोटी सी है, और इसे अगर आप खुल के जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, और बाकी आपके स्वास्थ्य के लिए हम हैं ही। आप आरोग्य से जुड़े रहिए। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूट्यूब पे आदर्श आयुर्वेदिक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सारे एपिसोड उस पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली कोई ऐसी टिप जानना चाहते हैं जिससे आप अपने आप को, आपके परिवार को स्वस्थ रख सकें, तो आप वैद्य जी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। बाकी फोन नंबर्स हम आपको हमेशा फ्लैश करते हैं स्क्रीन पर, ये नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप इन नंबर्स पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।